की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ आज डॉक्टर मनीष यादव की एक जनसभा के अंदर। यहाँ हम जहाँ पहुँचे, ये गांव बारडा है और गांव बारडा में अभी अभी ये चुनावी जनसभा समाप्त हुई है। अभी डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और साथ में कुछ यहाँ के जो समर्थक उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद जी गुरु जी, आपके बीच में आपके अपने प्रिय नेता जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या कहेंगे, किस प्रकार का मान सम्मान गांव बारडा ने आपको आज दिया? देखिए, पूरी तादाद में, बड़ी तादाद में बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, नौजवान साथियों ने इस सभा में शामिल होकर बदलाव की इस लड़ाई को मजबूत किया है। हर व्यक्ति आज ये चाहता है कि काम करने वाली सरकार हो। जो सरकार दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से मजबूती से आम लोगों को मजबूत कर रही है, हर सुविधा घर तक पहुँचा रही है, वही सरकार अब हरियाणा में भी हो। आज आम आदमी पार्टी के साथ ये जो बड़ी तादाद आप देख रहे हैं, इससे ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में पंजाब और दिल्ली के अंदर जिस तरह चमत्कार हुआ था, हरियाणा में भी वो चमत्कार होने जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि आम आदमी पार्टी ये डिसाइड करेगी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि आम आदमी पार्टी ये डिसाइड करेगी कि इसकी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, बताएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी एक बड़ा उभरता हुआ विकल्प है और इस बार मजबूत स्थिति में और निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि जो पार्टी आम आदमी पार्टी की नीतियां, यानी कि जो हमने दिल्ली और पंजाब में किया, उसी तरह से जो 5 गारंटियां हरियाणा की जनता के लिए दी है, यानी कि 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट मुफ्त, यानी कि हर व्यक्ति को अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा, हर माता बहन को 1000 रुपया हर महीने 18 साल से ऊपर की हमारी हर माता बहन के सीधे उसके खाते में, और आखिरी गारंटी हर युवा को रोजगार। जो पार्टी इस पर पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार होगी विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन, जनता से पूछकर, जनता का जिसकी तरफ इशारा होगा उसके साथ गठबंधन करके उसको उसकी सरकार बनाई जाएगी। आज आपने जिस प्रकार से बारडा गांव कवर किया, ऐसे और भी गाँव मिले? बिल्कुल, आज 22 गाँव का दौरा है। ये दौरा सुबह पथरवा गाँव से शुरू हुआ था और आज नावा से मंडियाली होते हुए मंडियाली में जाकर इसको हम ख़त्म करेंगे। 22 गांव इसमें पूरे किए जा रहे हैं और सभी गांवों में अच्छा समर्थन, यानी कि बदलाव की एक लहर सी देखने को नज़र आ रही है। मुझे कोई किंतु परंतु नज़र नहीं आता कि इस बार महेंद्रगढ़ में जो बदलाव हम पिछले लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे, उस बदलाव को होने से कोई रोक सकता। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो साथियों, और कुछ समर्थकों से भी बातचीत करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। राम राम जी साहब। राम राम जी, क्या कहेंगे जी साहब के बारे में? वोट देंगे डॉक्टर साहब को, ठोके कती। अच्छा जी, हाँ जी, ओके जी साहब, आप बताएं क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? बढ़िया है, भाषण सुना? हाँ, कैसा? बहुत बढ़िया भाषण दिए, बहुत ये और सरकारों से बहुत बढ़िया है ये, और तो चोर फिर सारा, कोई सुविधा नहीं गाँव के अंदर। मैं तो दो दो हॉस्पिटल पड़ा है, कोई गोली देनिया नहीं है, जमीन दे रखी है दो दो किला, कोई मतलब को नहीं। आऊँ हर झूठा वादा करके गया था, तो मतलब उनने काम नहीं करा तो वोट तो मिले नहीं मिला। अब के वोट ना दूँ ना डॉक्टर को दोगे? हाँ, राम राम साहब, ठीक है, ये बढ़िया बदलाव कर देंगे, रोड जाए तुम्हारा। अच्छा, छोटा नहीं का? छोटा नहीं। हाँ, तो झाड़ू से देनी पहले लेनी पड़ा। अच्छा, हाँ, वो बड़ा 25 सही गए। अच्छा, सब तंग हो रहे हैं, हंड और भी नेता है ये। हाँ, हंड लुगाड़ से नहीं, हंड है। अच्छा, हाँ, ये तो हंड की हो। अच्छा, सब आऊँगा, बाकी रोड जाएंगे इसका छोटा। बोल भाषण दिए इन्होंने, कैसे लगा? हाँ, बढ़िया, एक नंबर का जी। पंजाब में इनकी पार्टी है और दिल्ली में है, कच्ची जी सो लग गए। इतनी बढ़िया पार्टी हमने तो कोई देखा, हमको नहीं, हमने को नौकरी चाहिए, हमने स्वाद आ गए। आपको क्या लगता है, ये आएंगे तो विकास करवाएंगे? हाँ, खूब करवाएंगे जी, खूब करवाएंगे, खूब करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपको। बातम स्वाद है, बातम स्वाद है।
विकास मत करो और स्वाद आगे बढ़ता। अच्छा तो विकास ये तो कह रहे हैं कि हमने पंजाब में करवा दिया, दिल्ली में करवा दिया, पंजाब में करवाया है, बहुत बढ़िया करवाया, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ अभी हम पहुँचे थे आज गांव बारडा के अंदर, सतराली एरिया जो है इस बेल्ट में, आज इन्होंने काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो कवर करे हैं डॉक्टर मनीष यादव ने, और हमने यहाँ पर आपकी डॉक्टर मनीष यादव जी से भी बातचीत करवाई, साथ में इनके कुछ समर्थकों से भी करवाई बातचीत। आपको कैसी लगी कवरेज कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देते रहिए। बाकी मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा यहाँ पर कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में कौन रहेगा अग्रणी, वो भी कमेंट करके आप अवश्य बताएं। डॉक्टर मनीष यादव जी के बारे में क्या कहेंगे, जो आम आदमी पार्टी के महेंद्रगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी हैं, वो भी अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।